हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ फोटो दैट यू हैव टेकन। अंदर के क्यूज हैं व्हेन इट वाज टेकन, वेयर इट वाज टेकन, हाउ यू टुक इट एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द फोटो। अब पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ऐसे कोई फोटोग्राफ को डिस्क्राइब कीजिए जिसे आपने खींचा है। आपने ये फोटो कब खींचा, कहाँ पे खींचा, कैसे खींचा और आप ये फोटोग्राफ के बारे में कैसा फील करते हैं। ऐसा ही एक सिमिलर दूसरा क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ फोटोग्राफ ऑफ योर सेल्फ दैट यू लाइक, यानी अपने कोई ऐसे फोटोग्राफ की बात कीजिए जिसे आप पसंद करते हैं। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जब हमें थोड़ा सा थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तब हम इस क्यू कार्ड के बारे में क्या बोलेंगे। सो व्हेन इट वॉज टेकन में बिफोर टू ईयर्स, मैंने ऐसे ही टू ईयर्स लिखा है। आप इसको चेंज करके वन ईयर, सिक्स मंथ्स, कुछ भी लगा सकते हैं। वेयर इट वॉज टेकन में इन अ बिजी मार्केट। हाव यू टुक इट, सो कैजुअली एंड इन अ हरी। एक्सप्लेन हाव यू फेल्ट अबाउट द फोटो में यू कैन से इंस्पायर्ड एंड ब्लेस्ड। अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये सब चीज़ें 30 सेकेंड्स में बोलनी हैं, उसको मैंने आपके लिए अंडरलाइन करके रखा है। और अगर आप IELTS के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सभी चीज़ों की तैयारी करनी होगी। चलिए अब क्यू कार्ड को बोल के समझते हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टेकिंग पिक्चर्स, दो आई डू नॉट हैव अ हाई एंड कैमरा, आई डू टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स इन माई फोन। मुझे फ़ोटो खींचना बहुत अच्छा लगता है। फॉन्ड ऑफ यानि कुछ अच्छा लगना। मेरे पास महंगा वाला कैमरा तो नहीं है लेकिन मैं अपने फ़ोन में ही बहुत सारे पिक्चर्स खींचता हूँ। हाई एंड कैमरा यानि बहुत सारे आधुनिक मॉडर्न फीचर्स वाला कैमरा। आई हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स विद डिफरेंट थीम्स इन फोल्डर्स। वन ऑफ माई फेवरेट पिक्चर्स इज अ पिक्चर ऑफ अ कॉबलर इन माई सिटी। मैंने अलग अलग पिक्चर्स को डिफरेंट थीम्स में फोल्डर्स बना के सेव करके रखे हैं। एक सभी पिक्चर्स में से मेरा एक फेवरेट पिक्चर है एक कॉबलर का, मेरे शहर के एक कॉबलर का। कॉबलर यानी मोची, जो जूते और चप्पल सीता है। दिस पिक्चर वॉज टेकन बाय मी 2 years अगो, इट वॉज टेकन इन अ वेरी बिजी मार्केट इन माई सिटी। ये फोटो मैंने 2 साल पहले खींची थी और बहुत बिजी मार्केट है मेरे शहर में, वहाँ पर मैंने ये फोटो खींची थी। सो यहाँ पर आपने पहला और दूसरा क्यों आंसर किया है, व्हेन इट वाज टेकन और वेयर इट वाज टेकन। दिस पिक्चर वाज एक्चुअली टेकन इन अ हरी एंड वेरी कैजुअली। सो अब आप बता रहे हो आपने ये फ़ोटो कैसे खींची थी। सो आपने ये फ़ोटो बहुत ही जल्दबाजी में खींची थी और ऐसे ही खींची थी, ऐवे ही खींची थी, कोई ख़ास वजह से खींची नहीं थी। इट वॉज़ अ कैंडिड पिक्चर, यानी ये बहुत ही एक नेचुरल पिक्चर था। कैंडिड यानि नेचुरल। To my surprise, it turned out to be a masterpiece. So, मैं हैरान रह गया कि मैंने ऐसे ही फ़ोटो खींची थी लेकिन जो फ़ोटो उभर के आई, जो निकल के आई, वो अति उत्तम थी। It was a masterpiece. It not only captured the best scene but also the best emotions. ये सिर्फ एक अच्छा सीन ही कैप्चर नहीं कर पाया ये फोटोग्राफ, लेकिन बेस्ट इमोशंस भी कैप्चर कर पाया। The cobbler was stitching one shoe and a few customers were waiting to get their footwear repaired. There were some shoes that he had already repaired. जो कॉबलर था वो एक जूते की सिलाई कर रहा था और उसके कुछ कस्टमर्स जो थे वो अपने जूते रिपेयर करवाने के लिए वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे और कुछ बाजू में जूते पड़े हुए थे जो उसने ऑलरेडी रिपेयर कर लिए थे, सी लिए थे। His clothes were torn and his hands looked old. उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके जो हाथ थे वो एक बूढ़े इंसान के हाथ जैसे थे जिस पे झुर्रियाँ पड़ गई थी। अब आप ये फोटोग्राफ को डिस्क्राइब कर रहे हो, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस फोटोग्राफ की बात कर रहे हो उसको आप अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हो। When I carefully saw the picture, I discovered that his own shoes were very worn out. जब मैंने फ़ोटो को ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि ये मोची के अपने जो जूते थे वो बहुत ही पुराने हो चुके थे, worn out यानि पुराना हो जाना। That is what touched my heart in the picture. ये बात मेरे दिल को छू गई। A person who mends other people's shoes, his own shoes were old and torn. जो इंसान दूसरों के जूते सीता है उसके खुद के जूते बहुत ही पुराने हो चुके थे और फट गए थे। A sad reality of life was captured in the
पिक्चर, यानी जीवन की जो दुख भरी हकीकत है वो ये फोटोग्राफ में कैप्चर हो गई थी। आई फील वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस पिक्चर एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉबलर। ये जो फोटोग्राफ है, पिक्चर है, उससे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है और ये कॉबलर की जो जिंदा दिली है, जो उसकी जो स्पिरिट है, उससे भी मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है। आई फील ब्लेस्ड एंड वेन एवर आई एम फीलिंग बैड अबाउट समथिंग आई थिंक अबाउट दिस कॉबलर। मुझे लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, यानी कि खुशनसीब हूँ, और जब भी मैं कोई बात को लेके अच्छा फील नहीं करता तब मैं ये मोची के बारे में सोचता हूँ। आई टुक अ प्रिंट ऑफ दिस पिक्चर एंड गिफ्टेड इट टू द कॉबलर। ही वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड टू रिसीव हिज पिक्चर। मैंने इस पिक्चर की एक प्रिंट ली और वो कॉबलर को इसे गिफ्ट कर दी। वो बहुत ही हैरान रह गया खुद की पिक्चर को पाके। द मिलियन डॉलर स्माइल ऑन हिज फेस वॉज वर्थ रिमेम्बरिंग। उसके चेहरे पे जो मिलियन डॉलर स्माइल थी वो याद रखने जैसी थी। आफ्टर दिस आई टुक अ सेल्फी विथ हिम। इसके बाद मैंने उसके साथ एक सेल्फी लिया। लास्ट मंथ आई हैड सेंड दिस पिक्चर इन वन फोटोग्राफी एग्जीबिशन एंड आई वॉन द सेकेंड प्राइज। आई नॉट ओनली लर्न बट ऑल्सो अर्न फ्रॉम दिस पिक्चर। इट वॉज अ लकी फोटो फॉर मी। पिछले मंथ मैंने क्या किया, मैंने इस फोटोग्राफ को एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन में भेजा और वहाँ पे मुझे सेकेंड प्राइज़ मिला। आप थर्ड प्राइज़ भी बोल सकते हो, फर्स्ट प्राइज़ भी बोल सकते हो, कॉन्सोलेशन प्राइज़ भी बोल सकते हो। मैंने ऐसे ही सेकेंड प्राइज़ लिखा हुआ है। मैं इस फ़ोटो से कुछ सीखा ही नहीं बल्कि मैंने इससे पैसे भी कमाए। ये फ़ोटो मेरे लिए बहुत ही लकी हासिल हुआ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई कमेंट्स है, कोई फीडबैक है, तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई और टॉपिक पे अगर आपको कोई आइडियाज़ चाहिए, वो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि उस पर जल्दी से एक वीडियो बनाऊँ। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि इस पर्टिकुलर क्यू कार्ड से रिलेटेड जो दूसरा क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ फोटो ऑफ योर सेल्फ दैट यू लाइक, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप उसकी लिंक देख सकते हो। All the best.